अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा हाउस ऑफ कॉमन के सिलसिले में। तो चंद एक ज़रूरी मैं आपको चीज़ें बता दूं। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, इसी को वहाँ हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, वो वहाँ की पार्लियामेंट है। अब इसके मेंबरान किस तरह इलेक्ट होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने एक मेंबर मुंतखब होता है। अब टोटल सीटें हैं 659 सीटें हैं पार्लियामेंट की। अब ज़रूरत के मुताबिक जो बरतानिया का बाउंड्री कमीशन है, वो हर कॉन्स्टिट्यूशन में जायजा लेता है कि वहाँ की पॉपुलेशन आबादी कितनी है। अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से वो उनको इंक्रीज कर देते हैं सीटें, और अगर कम हो रही है तो वो लेस भी कर सकते हैं। इनके फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरी जानब, बरतानिया का मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए वहाँ का शहरी होना ज़रूरी है, और आपकी 21 साल से कम ना हो, और कोई ऐसा केस जो प्रिजरी का आपके खिलाफ ना हुआ हो, और ये इसी ऑपोजिट इसके डिस्क्वालिफिकेशन है ना, आप के आर्मी आपने आर्मी सर्विस ज्वाइन की हो। ये चंद एक लवाजमात हैं मेंबर बनने के लिए। अगर जो टर्म इनके अगर टर्म की बात की, टर्म ऑफिस की बात कर ले पार्लियामेंट की, बरतानिया में जो 5 साल है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है अपनी कैबिनेट को, तो वहाँ का जो स्पीकर है तो उसकी एडवाइस के मुताबिक इसकी मुद्दत 5 साल से ऊपर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वहाँ के हालात और वाकयात पे कि वो उनको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वहाँ की हल्का बंदी की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, तो सीटें डिवाइड हैं। 529 सीटें इंग्लैंड की रखी गई हैं, और बाकी 40 सीटें स्कॉटिश की रखी गई हैं और आयरलैंड की रखी गई हैं। इस तरह मिला के कुल 659 सीट्स बनती हैं हाउस ऑफ कॉमन में। अब बेसिक काम जो हाउस ऑफ कॉमन का है, वह कानून साजी करना है। वहाँ जितने अभी भी अमूर हैं, चाहे वो टैक्स के सिलसिले में हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने के सिलसिले में हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट हो, वो हाउस ऑफ कॉमन से होके गुजरते हैं। इसकी मंजूरी किंग देता है या क्वीन है उनकी, वो करता है, और इसी हिसाब से इनके आगे प्रोसीजर चलता जाता है। बरतानिया चूंकि जमहूरियत का आलमबरदार है, वो किसी भी लिहाज से डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होने देता, इसलिए वो अपने रफ्तन फुफ्तन वो इसमें अपने कानून में अमेंडमेंट करता रहता है, और जमहूरी को बराक ने हर किस्म की वो अपने रिसोर्सेज को बरोए कार लाता है। ये थी जी वीडियो मेरी हाउस ऑफ कॉमन पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।